इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी हुआ है। अक्सर अखबारों में यही देखा जा रहा है कि 1.5 लाख के करीब हर रोज़ पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं। मुल्क कोरोना पॉजिटिव में आज पहले नंबर पर पहुंच चुका है। लिहाजा हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नबील गड़ी, जो उन्होंने कोरोना के दौर में भी पिछली मर्तबा उन्होंने काम किया था और आज फिर इसी के मद्देनज़र यहाँ पर अंजुमन में मीटिंग तलब की गई थी। सबसे पहले आपका खैर मकदम इस्तकबाल। सर, मेरा सवाल ये है कि कोरोना को जिस तरह बढ़ते हुए दिखाया जा रहा है या बढ़ रहे हैं, लिहाजा लोगों के दिलों में कहीं तो भी शक है कि वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीनेशन लेने से खून के धब्बे होते हैं या तो फिर उनकी ज़िंदगी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि एम्स और जो गंगाधर अस्पताल के जो पॉजिटिव मरीज पाए गए, पॉजिटिव वो डॉक्टर होने के बावजूद, दो दो डोज लेने के बावजूद भी वो पॉजिटिव पाए गए, तो इस पर लोगों को शक है, तो इस शक को आप कैसे दूर करेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। पहले तो मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सबको इस वबा से बचाए और हम सबको और तमाम उम्मत को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। वैक्सीनेशन जो है एक प्रिवेंटिव प्रोसेस है। वैक्सीनेशन, चाहे वो कोई भी टीकाकरण हो या कोई भी वैक्सीनेशन हो, उसके रेयर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और हर वैक्सीन में होते हैं। जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात है, द इम्पॉर्टेंट थिंग सबको मैं ये बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो आपको कोविड होगा नहीं, ऐसा ख्याल नहीं रखिए। आप अगर वैक्सीनेशन लेते हैं फिर भी आपको चांसेस हैं कोविड इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन बस ये होगा कि सीवियरिटी ऑफ द कोविड की जो होगी, कोविड की जो सीवियरिटी होगी, कोविड का जो डिसीज़ प्रोसेस होगा वो बहुत ही हल्का होगा और माइल्ड होगा। आपको अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या आपको ICU वेंटिलेटर्स या HNFC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए वैक्सीनेशन जो है एक बैकबोन है आज के टाइम पे प्रिवेंशन ऑफ दिस पैंडमिक, ऑनगोइंग पैंडमिक। जहाँ पर इकबाल मैंने अभी पूछा कि इतने सारे अस्पतालों में डॉक्टर्स, कहीं डॉक्टर्स जो कोविड वैक्सीनेशन लेने के बावजूद भी पॉजिटिव आए, हाँ चांसेस बहुत, क्योंकि हर बॉडी का इम्यून रिस्पांस अलग अलग तरीके से होता है, तो वैसे बहुत सारे लोग पॉजिटिव आए, लेकिन आप अगर रेट्रोग्रेड उनकी स्टडी करके देखेंगे तो उसमें उनमें उतनी सीवियरिटी नहीं है। हाँ पॉजिटिव हुए हैं लेकिन माइल्डर इन्फेक्शन है। जहाँ तक कि साइड इफ़ेक्ट्स का है, वो तो आपको एक सिंपल एमोक्सिसिलिन की वजह से भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है, वैसे ही कोविड का वैक्सीन रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत ही कम लोगों में, एक या दो लोगों में मिलते हैं, लाखों की तादाद में एक या दो लोगों में, जैसे कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम होता है उन्हीं में देखेंगे। जनरली अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में और कर्नाटक में वी हैव नॉट सीन एनी एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, उतना मेजर कोई एडवर्स इफेक्ट्स हमने देखे नहीं हैं। जैसा वैक्सीनेशन के ताल्लुक से एक बार 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 लोगों के दिलों में शक है, क्योंकि जो सेहत महकमा यानी कि जो हेल्थ कर्मचारी भी 4% से ज़्यादा नहीं किए हैं, जैसा कि यहाँ कॉरपोरेशन का एक फिगर आया हुआ है, और 130 करोड़ के मुल्क में 10 करोड़ भी हम जो है टीकाकरण तक पहुँच नहीं पाए हैं, और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम जो है टीका उत्सव मनाएंगे, जश्न मनाएंगे, तो ये लोगों को कैसे हम भरोसे में ला सकते हैं कि एक तरफ तो ऐसे है कि खुद सेहत महकमा लेने के लिए तैयार नहीं, कई सारे ऑफिसर्स को हमने देखा है अब तो गवर्नमेंट की तरफ से फोर्सेबली करने के लिए, तो ये जो डर है लोगों के दिलों में इसको कैसे दूर किया जा सकता? उसके लिए सी वैक्सीनेशन बहुत ही एक सब्जेक्टिव टॉपिक है। आप किसी को कंपलसरी फोर्स या प्रमोट करने के लिए किसी को एनकरेज कर सकते हो, किसी को फोर्स नहीं कर सकते। अनलेस एंड अंटिल जब आप आगे देखेंगे, आगे आने वाले दिनों में विल हैव अ वैक्सीन पासपोर्ट आल्सो, देन एवरीवन हु वांट्स टू ट्रैवल दे हैव टू बी वैक्सीनेशन। और कुछ जिम्मेदारी हम लोगों की भी बनती है कि इररिस्पेक्टिव जो मीडिया, सोशल मीडिया पे जो फेक न्यूज़ चलते हैं जिसका कोई एविडेंस नहीं होता है, उस पर ज़्यादा ना भरोसा करते हुए एज अ इंडियन
एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग भी कोशिश ये करें कि हमारे वजह से हाउ वी कैन हेल्प द कम्युनिटी। अगर मैं वैक्सीनेट होता हूँ तो मैं मेरी डिसीज ट्रांसफ़र करने में रोक सकूंगा किसी को, तो इट हैज़ टू बी इंटरनल पार्ट। सिर्फ अगर हम मिनिस्ट्री बोलेंगे या कोई और बोलेंगे तब करेंगे तो वी विल नेवर अचीव अ टारगेट। इसके लिए देर शुड बी वर्क फ्रॉम इनसाइड, हम लोगों को मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। जी नहीं नहीं, जैसा आपने कहा कि सोशल मीडिया पे या तो खबरों में हम देखकर अगर वैक्सीन नहीं लगा रहे तो ये गलत है, लेकिन जैसा कि एस्ट्राजेनेका के बारे में आ रहा है कि कई सारे मुल्कों में जो जदीद तरक्की याफ्ता मुल्कों में उस पर रोक लगा दी गई, तो फिर क्योंकि उसी से जो है कोविशील्ड और ये सीरम का जो है एस्ट्राजेनेका से ही है जहाँ तक मैंने पढ़ा, तो इसको कैसे भरोसा कर सकते हैं? सी दिस रिफ्ट्स एंड ड्रिफ्ट्स विल बी देयर। There are a lot of vaccines which were made by US which has been banned by some other countries. The vaccine which has made by UK because unka political rift or drift chal raha hai kyunki UK ab exit pe ho raha hai. So there is a lot of other factors which are playing a major role. Just seeing that ke un logon ne ban kar diya hai, dekho hamara genetic component, hamari built AstraZeneca, Covishield jo hai, it is a UK based vaccine and UK has been exited from EU now. So EU doesn't want to take UK vaccine. वो उतने लेवल पे हमें जाके वहाँ तक जाके तहकीक करके it is not our part. At ground level, at community level, आज हमारे पास prevention के लिए सबसे बड़ा हथियार क्या है? We have to wear a mask, sanitize ourselves, social distancing and vaccination. ये यही सबसे important things है और हमें इसमें because बहुत सारे और reasons हैं जिसपे हम we can't debate also, we can't have talk also because वो बहुत ही आगे के level पे talks हैं। कोई चीज़ कहाँ पर भी banned हो जाती तो कहीं पर भी उस चीज़ को promote किया जाता है, वो political regional differences होते हैं, उसी की वजह से हम लोग सोचते हैं नॉर्वे में अभी बंद हो गया, why we are taking, why Norway has good relation with UK or not, we don't know. The production unit कहाँ से है उसके ऊपर होता है। तो my just appeal, I'm not promoting any vaccine. See, I'm a preventive medicine specialist. What I want is to people not to suffer from this COVID disease. इसके लिए हम लोग बस यही दुआ करते हैं और यही अपील करते हैं कि please wear your mask, keep social distancing, sanitize yourself, avoid going out, and vaccination, it is left up to you. We appeal that each and everyone should get vaccinated. Rather than that, it is a subjective phenomena. You have your own choices. You are well-educated people. Sabko, aap khud apni zimmedari lijiye. Inshallah, we are there in front of you. We people are there. Our role models are there. Our ulamas are there. There are so many people. We have been vaccinated. We are sitting in front of you. Inshallah, Allah se achhi umeed kijiye. अच्छे फैसले हों, हम गुमान भी कर लें। दैट इज़ अगेन आई सेड ना, इट्स सब बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव टॉपिक है। एज अ डॉक्टर आई विल अपील के वैक्सीनेशन हैज़ टू बी डन। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर नबील गड़ी साहब, उन्होंने कई सारे बातें बताते हुए ये कहा कि वैक्सीनेशन अगर लगानी है तो ये आपकी मर्ज़ी है, इस पर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि भाजपा के लीडर होने के बावजूद भी सुब्रमण्यम स्वामी ने वैक्सीनेशन पर सवाल उठाए और जो 70 लोगों का की मौत हुई है वो वैक्सीनेशन से हुई है, ऐसा उनका कहना है। खैर, वैक्सीनेशन एक अलग मसला है, लिहाजा कोरोना के बढ़ते मद्देनज़र कई सारी जगह पर इजलास मीटिंगें तलब की जा रही हैं और आने वाले दिनों में रमज़ान है और रमज़ान की खुशियों पर कहीं कोरोना का जो काला साया न मंडराए, ऐसी उम्मीद तमाम लोग कर रहे हैं। उम्मीद है कि किसी तरह के लॉकडाउन की या तो किसी तरह के रात के कर्फ्यू की, अब बेलगाम और कम से कम, क्योंकि बेलगाम एक कर्नाटका और महाराष्ट्र से सटा हुआ शहर है और यहाँ पर अक्सर लोग रमज़ान की रौनक देखने के लिए बेलगाम आते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बार का रमज़ान तमाम बेलगाम वाले खुश और जोश और खरोश के साथ मनाएं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।